दोस्तों, मैं हूं डीसी गेमर यानी कि दीपेश चौहान। देख सकते हो मैं अभी इलेक्ट्रो वैली में हूं और मेरा नाम डीसी गेमर स्लैश यूट्यूब हो चुका है। आप लोगों को नहीं पसंद हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए एंड मेरी चेस्ट लेवल देखो, एरेना 9। और अभी क्लेन चेस्ट चल रही है भिड़ू, तो क्लेन चेस्ट में मैं बहुत सारे क्राउन लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं नीचे आया था। बहुत सारी कमेंट भी आई थी पिछले वीडियो में कि मैं क्यों नीचे आ रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी ट्रॉफी क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ। पर हाँ, देख लो, 118 क्राउन लिए हैं मैंने, वो भी 1 बजे स्टार्ट हुई थी और अभी बजे है 3:30। तो बस 3.5 घंटे में मैंने 118 क्राउन ले लिए है गाइस, और मैं फटाफट से और भी क्राउन लेना चाहता हूँ। डैक ये है और स्टार्ट, हाहा, फटाफट से क्लेन चेस्ट, क्राउन चेस्ट बता दूँ। क्लेन चेस्ट इजीली बता सकते हैं हम अगर सब के सब लोग लेने लगे तो। ये यार, ओह हो, चलो भाई कोई बात नहीं, अपने राइट साइड अटैक करते हैं, यानी कि आर्चर डाल दिए मैंने और अभी मैं वीच डालने की सोच रहा हूँ, पर देखते हैं फायर बोल ना डाल हो तो भाई वो डिफेंस करने वाला है। अपने लेफ्ट साइड जाते हैं क्योंकि 3 क्राउन ही लेने का है अपने को, तो सिर्फ और सिर्फ। अब देखते हैं क्या कर रहा है भांगड़ू। यहाँ पर मिनियंस, आगे से जायंट, और भाई गुड गेम बोल सकते हैं इसे कि नहीं। जैप रेडी है, फायरबॉल और मिनी पे कार रेडी होने वाले हैं। अभी देखते हैं क्या कर लेगा सामने वाला। 10वें लेवल का ही है, कोई चिंता नहीं है ब्लू, वो लोगों को भी मालूम है। ओ ये उसका नेट चिपक गया था क्या? हाँ जी, मैंने आर्चर भी डाल दी है, पर मेरे को जैप रेडी रखनी चाहिए थी क्योंकि ये लॉक बेल्ट डेक है शायद से। हाँ, पर मैं जीत गया हूँ। गुड गेम, गुड गेम, गुड गेम एंड 3 क्राउन विक्ट्री बेबी। मैं इसलिए नीचे आया था क्योंकि 3 क्राउन नीचे ज़्यादा आते हैं, कम लेवल के लोग होते हैं, कम लेवल के ट्रूप्स होते हैं, उन लोगों को सॉरी जिसे मैं भारी पड़ा। पर हाँ दोस्तों, यार क्या करें, मुझे कुछ करना था तो मैंने कर दिया। फिर से एक बैटल और दैप। और फिर से 10वें लेवल का चाइना का चमन, और राइट साइड से जायंट डाल दिया है मैंने। 2 मिनट की मैच होती है ये और मैं कम से कम 1.5 मिनट में ख़त्म कर लेता हूँ। और मैं लॉग नहीं डालूँगा यहाँ पर क्योंकि अब डालूँगा लॉग और साथ में फायरबॉल भी, पीछे आए तो मज़ा आ जाए। नहीं, ओके ठीक है, फायरबॉल आ गया है मेरे पास, पर अभी ओके वीच को मारने के लिए। नो बेबी, ये बहुत ही फाड़ू बंदा है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। मैं फायरबॉल डाल रहा हूँ और थोड़ा उसको डैमेज करने दो पहले, और बाद में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसने किंग टार एक्टिवेट कर लिया है और ये मेरे दोस्त का मैसेज, मेरा दोस्त आप लोगों को जानता है, आप उन लोगों को मतलब मेरे दोस्त को जानते हो, कोई बात नहीं। इसको मारने दो प्रिंसेस को और एक नई चाल चलेंगे। हाँ नहीं, ये कुछ चाल वाल चलने नहीं देगा, बहुत ही शातिर बंदा है, पर देखते हैं इसकी शातिरी कहाँ तक काम आती है। यस, ओ वो एरो लाया है, नहीं मैं भूल गया था, और पर कोई बात नहीं, मिनी पैक का जिंदा रहना चाहिए, हमारा जिंदा रह गया है, बस जल्दी से जल्दी क्राउन ले लो। ओ यस, थैंक यू। अरे यार भाई, तू हार क्यों नहीं मान लेता, हार मान ले भाई, ये बहुत ही ललचा रहा है हमको। और भाई तू ले क्राउन मेरे को यार, 3 क्राउन लेने दे, या तो फिर मैं लेके रहूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, समझते नहीं है लोग। उसमें मैं क्या करूं रे, लोग नहीं समझ रहे हैं बांगड़ू। ओके ओके ओके, खेल दिस। अरे कहां मार रहा है पगलेट, वीच को मार रहा है, बोलो शेट। दूसरा भी जायंट कर दिया है मैंने, एरो तो उसने बिगाड़ दिए हैं। तो भाई ये गुड गेम, अब इसको बोल सकते हैं गुड गेम, अब हार मान ले भाई, तू हार मान ले, तेरे पास कुछ ना है बांगड़ू,
तो पहले ही क्यों नहीं हार मान लेता? जब तेरे को मालूम ही है कि मैं हारने वाला हूं तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए ना यार। और एक बैटल करेंगे लास्ट, और फटाफट एक लास्ट बैटल और एक डैप तो बनता ही है यार। पहले मैं चेस्ट ओपन कर लूँ, वरना मेरी चेस्ट कोई आने वाली नहीं है। और सिल्वर चेस्ट ये कर लेते हैं, ये जीतेंगे तो चेस्ट आएगी। ओह ये, और एक चैलेंज भी आया है, वो क्या बोलते हैं उसे, रेडिट चैलेंज। और ये लेवल बंदा अप है थोड़ा 11 का, तो यार ध्यान से खेलना पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा है। और हट यार, हट मुझे नहीं पसंद है, शिट। ओह ये, ओह मैं ट्राई कर सकता हूँ। एग्जू शायद मरेगा कि नहीं 10 में के फायरबॉल से? नहीं, लॉग से भी नहीं मरेगा। ये लॉग और जैप तीनों चीज़ वेस्ट करनी पड़ेगी, पर नहीं मैंने कर दिया है, शिट। अब क्या करूँ? ओह नाइस, और अरे वाह, बांगड़ू काम तो कर गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जैप रेडी है, वो क्या कर रहा है देखते हैं। मिनियंस भी रेडी है, तो जैपेड। ओह ना, बैट्स। ओके, आर्चर जिंदा है, पर जो जिंदा रहने वाली थी वो नहीं, दूसरी कोई आर्चर जिंदा है। तो यार ये भी 3 ग्राउंड, ये समझ चुका है कि उसके बस की बात नहीं है, तो मैं मिनी पैक और मिनियन डाल दे रहा हूँ, और देखते हैं ये समझ गया है कि नहीं, वरना मैं उसे समझा सकता हूँ। अभी तक ये समझा नहीं है, तो मैं समझा दूंगा इसे, और लगता है तब तक तो तोड़ के आएंगे। मिनी पैक का है यार, नहीं तोड़ पाएगा। ओके यार, बहुत डैमेज है इसका, ज़्यादा है भाई, उसे एक तोड़ना है तो तोड़ नहीं दूँ, पर मेरे को 3 क्राउन लेना है भाई। वो हट लेके आया है, इसलिए मैं जायंट ऐसे नहीं डाल सकता, ऐसे मैं जायंट नहीं डाल सकता, पर हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। और लॉग और फायरबॉल, गुड गेम बेबी। ओके गुड गेम, गुड गेम, गुड गेम। गुस्सा हो रहा है भाई, क्या करें, हम क्या करें उसमें यार, तू गुस्सा हो रहा है। आज तक का वर्ल्ड, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकते, पर हाँ मैंने एक बार अकेले पूरी क्लेन चेस्ट बताई है। दोस्तों कभी आप लोगों ने अकेले पूरी क्लेन चेस्ट लेवल 10 की किए तो कमेंट में बताइए, और आपने अभी तक सबसे ज़्यादा कितने क्राउन लिए हैं क्लेन चेस्ट में, वो कमेंट में बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी वो बताइए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और शेयर करिए जो क्लैश रॉयल खेलते हैं अपने दोस्तों को। और 127 क्राउन मैंने लिए हैं अभी 4 घंटे में, शायद से 4 या 4.5 घंटे में मैंने 127 क्राउन लिए, अभी तो पूरा दिन बाकी है, मैं अभी भी लेने वाला हूँ बहुत सारे क्राउन। तो वो मैंने एक पूरी क्राउन चेस्ट फिनिश की थी, ये वाली प्रैक्टिस मैंने ख़त्म कर दी है, चैलेंज मैं कल खेलूँगा, आप भी कल खेलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।